इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. लास्ट टाइम हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन का एक इंट्रोडक्शन लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली किस तरीके से डिटरमिन किया जा सकता है. रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि इट इज इक्वल टू द चेंज इन कंसेंट्रेशन, जो कि हम लोगों ने मोल्स पर डीएम क्यूब के अंदर ली हुई होती है, डिवाइडेड बाय टाइम, द टाइम टेकन फॉर अ सर्टेन चेंज. बट देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो उस वक्त भी आपके जहन में लास्ट लेक्चर में उठे होंगे, एंड दोज क्वेश्चंस आर गोना बी आंसर्ड टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपने चेंज इन कंसेंट्रेशन जो है वो किस चीज की लेनी है, रिएक्टेंट्स की लेनी है या प्रोडक्ट्स की लेनी है. आपने लास्ट टाइम जो ग्राफ देखा था बिटवीन द कंसेंट्रेशन एंड टाइम, उसके अंदर एक ग्राफ यूं जा रहा था, वॉज इट रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स. जो चीज इंक्रीज कर रही होती है क्या रिएक्टेंट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं? डेफिनेटली नॉट. दीज आर द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग. प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि सिंपली आप एक ही कोई चीज लो, दो तीन प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. एंड द रिएक्टेंट्स आर टेक्निकली गोइंग टू जीरो. ये लाइन जो है ये फाइनली जीरो को टच कर जाती है. सो दिस इज द रिएक्टेंट्स. नाउ यहां पे आपके पास कंसेंट्रेशन होगी. नाउ लेट्स नॉट राइट, यू नो इट. वाई एक्सिस पे यू हैव कंसेंट्रेशन, ऑन एक्स एक्सिस यू हैव टाइम. अब जो मैंने आपको कहा था यू हैव टू टेक अ सर्टेन चेंज एंड डिवाइडेड विद टाइम, वो आपने चेंज प्रोडक्ट्स का लेना है या रिएक्टेंट्स के लेना है. ठीक है, टेक्निकली इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर. आप दोनों में से किसी का भी ले सकते हो, क्योंकि जितना रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कम हो रहे होते हैं किसी एक मखसूस टाइम के अंदर. फॉर एग्जाम्पल इस और इस टाइम के अंदर रिएक्टेंट्स कितने कम हो रहे हैं, पहले इतने थे बाद में इतने हो गए, यानी इतना फर्क पड़ रहा है. ठीक है, और इसी टाइम स्पैन के अंदर अगर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में देखूं तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहले इतने थे और बाद में इतने हो गए, फर्क उनमें भी एग्जैक्टली उतना ही पड़ रहा होता है. ठीक है, वो अलग बात है कि प्रोडक्ट्स का जो चेंज होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड जो रिएक्टेंट्स का चेंज होता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. आई होप आपको ये बात समझ आई है. चेंज जो होता है, जो हम लोग फिजिक्स के अंदर भी जैसे इक्वेट करते हैं, व्हाट इज चेंज? चेंज इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. सो यू हैव टाइम इनिशियल इज दिस मच एंड टाइम फाइनल इज दिस मच. दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट. सो इफ यू लुक एट द रिएक्टेंट वाला कर्व, तो उसमें इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है एंड फाइनली आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कम है. जो मैं रेड लाइन अभी मूव करके आपको दिखाता हूँ, इनिशियली जो है आपके पास रिएक्टेंट इतना है और फाइनली एट अ हायर, एट अ ग्रेटर टाइम, मतलब एट आफ्टर सम टाइम आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कम हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट तो कंटिन्यूसली कम हो रहा होता है. सो स्मॉलर वैल्यू माइनस बिगर वैल्यू आपके पास आंसर जो चेंज का आएगा दैट वुड ऑलवेज बी नेगेटिव. ठीक है, और जो आपके पास जो रिएक्टेंट बी का आंसर आएगा, अगर आप इसे प्रोडक्ट से बल्कि करो, तो उसमें आपके पास चेंज हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि एट इनिशियली यू हैव लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू हैव अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, सो दिस विल देन बी पॉजिटिव. बट रेट ऑफ रिएक्शन को ना हम मैथमेटिकली हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं. इसका मतलब है, अगर आपने कंसेंट्रेशन को, मैं आपको एक और चीज बता दूं, हम लोग यूं करके लिखते हैं, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का मतलब है ये चीज. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही होती है कंसेंट्रेशन. सो ब्रैकेट कंसेंट्रेशन मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन. और अगर इसका मैं डी बाई डी टी ले लूँ, जिस तरह हम लोग मैथ्स के अंदर डेरिवेटिव लेते हैं, या चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को डी बाई डी टी भी आप कह सकते हो, इट्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. या टू मेक इट सिंपल फॉर यू, आई विल एक्चुअली राइट इट डेल्टा बाई डेल्टा टी, डेल्टा ऑफ द रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. राइट, इट मेक्स मोर सेंस नाउ. ये जो आंसर आएगा ये हमेशा नेगेटिव में आएगा. मैंने अभी आपको ये बात बताई है ना, चूंकि रिएक्टेंट्स हमेशा कम हो रहे होते हैं विद टाइम, तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो फाइनल रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन. मेरा मतलब ये है रिएक्टेंट फाइनली माइनस रिएक्टेंट इनिशियली डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम विच इज लेट्स से अ सर्टेन टाइम, दिस मच ऑफ टाइम. ठीक है, सो दिस आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव. सो व्हाट वी डू इज वी पुट अ नेगेटिव साइन अलोंग विद इट. इसके बाहर हम लोग एक ऑलरेडी माइनस साइन लगा देते हैं, ताकि ये जो इसका जवाब है ये माइनस से मल्टीप्लाई होके
प्लस में आंसर आ जाए, और वो जो प्लस में आंसर आता है उस चीज़ को फिर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन करार दे देते हैं, ठीक है। अगर आपने ये किया ही प्रोडक्ट के हिसाब से होता, यानी आपने ये यूँ किया होता, I'll write it in green again, the change in concentration of products per unit time or in a certain time, and let's say कि इसको भी यूँ ही लिखा जा सकता है, product at a final time, concentration of product at a final time minus the concentration of product initially जितनी भी थी divided by time, तो चूँकि आपको अभी मैंने ऊपर समझाया है कि product हमेशा बढ़ रहा होता है, तो finally product ज़्यादा होगा, तो higher value minus smaller value उसका तो answer आता ही positive है, and जितना change in product होता है उतना ही change in reactant होता है, so technically this is also equal to R, और इसको minus sign से multiply करने की ज़रूरत नहीं है, so rate of reaction को आप reactants के through भी equate कर सकते हो and प्रोडक्ट्स के थ्रू भी इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप इन दोनों जो ऊपर मैंने बातें लिखी हैं इनका आपस में अगर कंपैरिजन करो आप, इन दोनों से हमें कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, लेट्स कॉल रिएक्टेंट एज ए एंड प्रोडक्ट एज बी, तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन ए बाय टाइम, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन बी बाय टाइम, यानी अगर आप प्रोडक्ट को देखो तो डायरेक्ट उसका आप चेंज लेके विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, और अगर आप रिएक्टेंट के हिसाब से निकाल रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई अ माइनस साइन आल्सो, एग्रीड। सो दीज आर बेसिकली इन्वर्सली रिलेटेड, आई वॉन्ट से इन्वर्सली रिलेटेड, नेगेटिव ऑफ ईच अदर। सो आई होप द फर्स्ट ऑफ दीज क्वेश्चन, सॉरी आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि आपने रिएक्टेंट लेना होता है या प्रोडक्ट लेना होता है फॉर रेट कैलकुलेशन। सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन था आज कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट किस चीज़ को कहते हैं, इट इज सिंपली जिस तरह हम लोग फिजिक्स के अंदर बात करते हैं, अगर मैं आपसे वैसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है, आपको पता होगा, वैसे तो पता होगा, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, and what is velocity, is it also total distance divided by time, no, velocity is change in displacement divided by time, so there is technically a difference, agar koi gaadi maslan yahan se chali path A se path B tak aayi hai to technically the displacement is this vector, aur agar aap is vector ko time se divide karoge to koi answer aayega wo ye hoga, और अगर आप स्पीड निकालना चाहते हो तो आपको ये थ्रू आउट सारा फासला लेना पड़ेगा, और हर पॉइंट के ऊपर आप फिर स्पीड निकाल सकते हो, उस वक्त तक का फासला डिवाइडेड बाय उस वक्त तक का टाइम, और इन दोनों का आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा इन द केस विच आई हैव शोन यू। सेम इज ट्रू फॉर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट्स। एवरेज रेट जो होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वो होता है जो मैंने आपको अभी तक निकालना सिखाया है, यानी अगर ये आपका प्रोडक्ट्स का ग्राफ है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का, तो आप अगर यहाँ इस टाइम के ऊपर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो और एक आप इस टाइम के ऊपर लो, ठीक है, टोटल टाइम आपके पास इतना हो गया जितना भी बनता है, लेट्स से 5 सेकंड्स बन रहे हैं ये, और चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड इफ यू डिवाइड देम यू विल गेट अ रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन किस वक्त का, मैंने आपको कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट चेंजेस विद टाइम। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये इस वक्त का टाइम है, फॉर एग्जांपल इस वक्त टाइम 3 सेकंड्स है और इस वक्त टाइम 8 सेकंड्स है और दरमियान में इसके 5 सेकंड गुजर चुके हैं, आप मुझे बताओ कि ये जो इस तरीके से आपका आंसर आएगा, यानी दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 5 सेकंड्स करके जो आंसर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, क्या वो 3 सेकंड्स वाला होगा, 8 सेकंड्स के वक्त रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दरमियान का कहीं का होगा, या तीनों में से कोई भी नहीं। आगे ये तो मैंने एक एमसीक्यू बना दिया आपके लिए। बेसिकली ये आपने जो निकाला है इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आप जब दो टाइम इंटरवल्स यूज करते हो ना, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, तो वो उस दो टाइम्स के दरमियान की एक तरह से आपको स्लोप शो कर देता है, ठीक है, और वो आपको एवरेज आउट करके दिखा देता है दरमियान का ओवरऑल जितना भी रेट होता है। अगर आप बहुत एक्यूरेटली बताना चाहते हो, मसलन आप मेरे से पूछ रहे हो कि एग्जैक्टली 3 सेकंड्स के ऊपर बताएं कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो वो निकालने का ये तरीका नहीं है। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपके पास ये
प्रोडक्ट का ग्राफ है और ये 3 seconds हैं. तो आपने 3 seconds के ऊपर अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो 3 seconds को पहले तो 3 seconds के ऊपर आप देखो कि कंसेंट्रेशन की वैल्यू क्या बन रही है. ठीक है, लेट से ये मखसूस वैल्यू बन रही है 3 seconds के ऊपर. नाउ व्हाट यू डू इज दैट यू ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन ओवर हियर. जो आप में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट नो व्हाट इज अ टेंजेंट लाइन. एंड बल्कि आप ज़्यादा डिटेल में भी मैथ्स वाले अभी पढ़ लोगे इन जो पार्ट टू. दिस इज अ टेंजेंट लाइन, बिल्कुल अ स्ट्रेट लाइन एट दिस पॉइंट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन. इस टेंजेंट लाइन के कोई भी दो पॉइंट्स आप लो एंड कोई भी मसलन एक तो ये वाला बेशक पॉइंट ले लो, ये मखसूस कंसेंट्रेशन, और एक ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला टाइम ले लो और ये वाली कंसेंट्रेशन ले लो, और इससे जो आप निकालोगे ना रेट ऑफ रिएक्शन वो एक्चुअली इस वक्त का होगा क्योंकि आपने इस वक्त के लिए ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है. इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां का टेंजेंट तो कुछ और होगा. कैन यू ड्रॉ टेंजेंट ओवर हियर, कैन यू थिंक अबाउट केस जब यहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ जाए. लेट मी ड्रॉ इट इन रेड. यहां पे टेंजेंट लाइन कुछ ऐसे होगी, कुछ ऐसे करके. अ टेंजेंट लाइन इज बेसिकली मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं इट्स अ लाइन विच टचेस द ग्राफ ओनली एट अ सिंगल पॉइंट. तो अब ये नहीं कर देना कि अगर ये ग्राफ है, सर्कल है, तो इसका टेंजेंट ये लाइन बना दो, ये भी तो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है. नो, ये एक पॉइंट पे नहीं कर रही, ये एक्चुअली दो पॉइंट्स पे कर रही है, ये आगे भी जा रही है. लाइन के कोई एंड्स नहीं होते, ठीक है, लाइन सेगमेंट के एंड्स होते हैं. सो बेसिकली ये लाइन यहाँ पे टेंजेंट मैंने बनाई है, ये लाइन मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाई है. ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पे टेंजेंट है, ये यहाँ पे टेंजेंट है, ये यहाँ पे टेंजेंट है, ये यहाँ पे टेंजेंट है. सो बेसिकली आप जब सर्कुलर मोशन की बात करते थे तो वो जो आपने एक रूल पढ़ा था ना कि ये हमेशा ये डायरेक्शन होती है, ये इसको कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन. ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस पॉइंट के ऊपर दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, एंड एट दिस पॉइंट दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन. सो टेंजेंशियल डायरेक्शन कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती है. और आपने उस टेंजेंट लाइन के कोई दो पॉइंट्स लेके अगर आप करो तो इससे आपको इंस्टेंटेनियस रेट पता चल जाता है. इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया एट अ सिंगल इंस्टेंट. इन अदर वर्ड्स, मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूं कि अगर आप ऐसा करो कि जो आपने दो टाइम इंटरवल्स लिए थे यहां से लेके यहां तक, उनको आप नैरो डाउन कर दो, बहुत ही करीब के दो टाइम इंटरवल्स ले लो. तो एक आपके पास ये टाइम और दूसरा आपके पास ये टाइम पे कंसेंट्रेशंस. ठीक है, तो ये एक तरह से आपको इस और इसके ऑलमोस्ट दोनों, चूंकि ये दोनों टाइम्स बहुत करीब हैं, तो ये एक तरीके से आपको एग्जैक्टली इस टाइम के ऊपर कंसेंट्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, यानी व्हेन यू से कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो, दिस मीन्स कि जो एवरेज रेट से रिजल्ट निकलेगा, जो एवरेज रेट का आपको तरीका पता है कि कोई भी ग्राफ के दो पॉइंट्स लेके आप चेंज निकाल लो, वो बराबर हो जाएगा, इट विल अप्रोच द इंस्टेंटेनियस रेट. और वो किस इंस्टेंट के लिए निकलेगा आंसर, जिस जो आपने दो एवरेज रेट आउट किया उसमें बहुत करीब करीब का टाइम है ना, तो वो दोनों टाइम्स ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो उस मखसूस इंस्टेंट के ऊपर आप कह सकते हो कि आपने वो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेट कर लिया. आई होप थिंग्स मेड सेंस फॉर यू टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट डिफाइन करेंगे और उसके यूनिट्स वगैरह देखेंगे, एंड विल सी के रेट कांस्टेंट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है.